मार्च का महीना शुरू हो चुका है, लेकिन मौसम बार बार अपना बदलता रूप दिखा रहा है। कुछ दिन पहले ठंड खत्म होने के साथ ही दिन में तेज धूप के चलते गर्मी का तेज होना शुरू हो गया था, लेकिन अब अचानक कुछ जगह बारिश होने और तेज ठंडी हवाएं चलने से मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। हिमाचल प्रदेश का मौसम एक बार फिर से बदल गया है। प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है, तो वहीं मार्च महीने के पहले हफ्ते में उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में गुलाबी ठंड का दौर जारी है। मौसम विभाग की माने तो 5 मार्च को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक ताजा वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव होगा, जो एक बार फिर देश के मौसम में बदलाव ला सकता है। इसके असर से पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। वहीं बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश होने की संभावना है। असम और मेघालय समेत पूर्वोत्तर राज्यों में आंधी के साथ तेज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि बीते 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अधिकांश स्थानों और जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हुई। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी व पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों, उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के गंगा के तट वाले इलाकों, झारखंड, बिहार में भी अलग अलग स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर तक की बारिश हुई, साथ ही तेज हवाएं भी चली। मौसम विभाग ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अगले 2 दिनों तक हल्की बारिश हो सकती है। अगले 3 दिनों तक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय के कुछ इलाकों में हल्की या मध्यम बारिश होने के साथ ही बिजली गिरने की संभावना है। इस दौरान रायलसीमा और केरल में मौसम गर्म बना रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश और बर्फबारी के चलते जगह जगह भूस्खलन होने से हिमाचल में अभी भी 650 से अधिक सड़कें यातायात के लिए बंद है। पिछले 3 दिनों से ये सड़कें बंद है। प्रशासन की तरफ से सड़कों पर यातायात सुचारू करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। अधिकारियों ने बताया कि अकेले लाहौल व स्पीति में ही 290 से अधिक सड़कें बंद हैं। इसी तरह पूर्वी मध्य प्रदेश और उसे सटे इलाकों में और असम, अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश की संभावना है। दूसरी ओर दक्षिण भारत में इससे बिल्कुल उलट मौसम रहेगा। इस इलाके में मौसम गर्म और नम रहेगा। मौसम विभाग इन बदलावों पर बराबर निगाह बनाए रखे हैं और बराबर अपडेट जारी कर रहे हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश, बर्फबारी की भी चेतावनी जारी की है। इन परिस्थितियों को देखते हुए मौसम विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। प्रभाव से बचने के लिए अपडेट्स पर नजर रखने की सलाह दी जाती है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।